रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। I almost became what I hated. जो कार्तिक ने मेरे साथ किया मैं exactly वही चीज आन के साथ करने वाली थी. For a moment I even thought about leaving him. Then I thought, किस लिए? वीर के साथ एक imaginary happily ever after के लिए. Imaginary? वीर के साथ जो हुआ? वीर के साथ जो हुआ वो शायद मेरे और आहान के लिए एक टेस्ट था. If we get past this, मेरी और आहान की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. And I'm not going to let anyone hurt आहान. Ever. I love him. Hurt आहान? तुम्हें लगता है you need to protect him? Girlfriend हो उसकी, guardian नहीं. Unless you're worried that you might hurt him. Again. मैं उसे क्यों हर्ट करूंगी डॉक? I'm saying that I love him. आज से पहले किसी सेशन में तुमने इतनी बार I love आहान नहीं कहा। Is this because of the guilt of what happened? वीर के साथ जो हुआ that? Can we talk about the relationship I care about? The man I love, आहान. मैं चाहती हूँ कि मेरी और आहान की relationship better हो. Can we work on that, please? पिछले 10 मिनट में तुमने 5 बार कहा है, I love आहान, the man I love, मैं आहान से प्यार करती हूँ. बार बार कहने से आई ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ कन्विंस मायसेल्फ तुम्हें पता है तुम आहान के साथ क्यों हो क्यों बिकॉज आहान तुम्हें जितना चाहता है तुम उसे इतना नहीं चाहती यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ कंफर्ट ठीक है तुम्हें आहान के साथ अपनी रिलेशनशिप पर वर्क करना है तो आई कैन हेल्प यू बट फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ और जब तक वीर के साथ जो हुआ तुम कन्फ्रंट नहीं करती आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू समथिंग यू कांट बी सीरियस नो आई एम वेरी सीरियस आई एम सीरियस तुम्हारी प्रॉब्लम कार्तिक से शुरू हुई पर इस इंसान पर खत्म होती है यू मूव ऑन फ्रॉम कार्तिक नो डाउट बट यू आर स्टक ऑन वीर एंड यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट आपने ठीक कहा डॉग आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनीमोर अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगी बट यू बीन ग्रेट थैंक यू इट्स ओके टू बी अनकंफर्टेबल पता नहीं कैसे करते हैं लोग लगता है जैसे इंटरोगेशन शुरू होने वाली है well usually I tell them to think of me as their friend but I am already more than a friend family हूँ और तुम्हें मैं तुमसे बेटर जानती हूँ और so you think see Veer I'm gonna be very honest with you it's not gonna be easy रास्ता मुश्किल है लेकिन जब मंजिल मिलेगी ना तो शांति मिल जाएगी Love is an addiction. और अगर इंसान से उसका source of addiction छीन लिया जाए, तो उसका behavior भी एक addict वाला ही हो जाता है। उसके symptoms भी एक addict वाले ही होते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा है उठा लो या साइलेंट पे कर दो सह ना सकूंगा मैं तुझसे जुदाई आंख भर आई मेरी आंख भर आई वो खुश दिख रही थी आई डिडंट वांट टू अपसेट हर लाइफ क्यों सताए मुझे क्यों रुलाए मुझे क्यों ना तुझको जाकर भी मैं पा सकूं क्यों है ये फासले क्यों अश्क बहने लगे क्यों ना सारी दूरियां मिटा सकूं Because I love you, Sam. दिल की द-
मैं समझावा तेनू क्यों ना भूल पाए तुझ कोई चाहे ओ साजना मेरे ओ साजना जो की बनाया तूने ओ साजना मेरे ओ साजना ओ साजना कर क्या रहे तुम वीर I don't know I just didn't feel like stopping Ishanvi I feel that I just need to keep myself occupied with something or the other These are withdrawal symptoms. जब किसी addict को अपनी dose नहीं मिलती, तो वो अपने आप को harm करता है, और उसका वो pain, उसकी real pain को distract करता है। I guess. जोगी बनाया साजना। Ishanvi, I really need to move on. Of course, Veer. इसलिए तो तुम यहाँ पर हो आई एम हियर विद यू कभी कभी ना वी जस्ट नीड अ सर्टेनिटी अ लॉजिक टू पुट आवर लाइव्स बैक टुगेदर आई नो व्हाट आई नीड टू डू आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड डेब्स I mean, Debbie. Come to the point, V. तुमने कहा था तुम्हें कुछ काम था? हाँ. Debbie, you were the one with all the ideas. Windlist, हमारी कंपनी को तुम्हीं ने खड़ा किया था. I can't do this alone, Debbie. मैंने जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ बट आई कांट रियली गो बैक इन टाइम एंड अंडू द पास्ट जस्ट अ सेकंड वे ठीक है आई एम इन व्हाट आई एम इन आर यू श्योर यू वांट मी टू चेंज माय माइंड नो 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 नॉट एट ऑल बट वाओ ये This is incredible. ये तो पहले से भी बेहतर है। ये कब किया तुमने? तुम्हें क्या लगा? 8 महीने में मैंने क्या किया? Incredible तो हो तुम। I know. But मेरा एक सवाल है before we start working together. Yeah, yeah, sure. Please, tell me. Who was she, Veer? One you slept with. Look at your face. I don't care, relax. It was a joke. तो प्लान ये था कि हम एक प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके एक प्यारा सा बुटीक रिसोर्ट शुरू करेंगे वेयर ओनली आवर वाइन विल बी सोल्ड रिसोर्ट का नाम भी हमारी वाइन कंपनी के नाम पे होगा विंडलिस्ट रिसोर्ट डेबी वाज रियली अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योर तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहे हाँ बस यूं ही बातें होती रहे डेबी ने सारी प्लानिंग कर रखी थी उसके जितनी सुलझी हुई लड़की मैंने नहीं देखी एंड थैंक्स टू हर मैं भी अब थोड़ा संभल रहा था जैसा ईशानवी कहती थी आई हैड फाइनली फाउंड अ रूटीन अ पर्पस आई थिंक आई हैड फाइनली मैनेज टू पुट माय बैगेज अंडर द मैट Yes. Yeah, I think we can do that. So what? एक ही कमरे का तो रूफ लीक कर रहा है बाकी किस कमरे तो फंक्शनल है हाँ यार ऑफ सीजन है नया रिसोर्ट है Tell them we'll make it available. In fact, tell them we'll make it available a week before the date. Yeah, okay. Keep me posted. Bye.
बधाई हो जी। रिजॉर्ट तो अवेलेबल हो गया, अभी अभी बस ओनर से बात की है। थोड़ा सा टोकन अमाउंट तुरंत देना होगा। इस बात तो मुंह मीठा तो बनता है। चलो एक चीज तो मिली जो हम सबको पसंद है, फोटो भेजिए और फोन लगाइए लाडली। ऑलरेडी भेज चुका हूँ। एक साल बीत गया था, अहान आस्क्ड मी आउट और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप इन आवर रिलेशनशिप। पोर्नो एंड अग्नि वाज सो किक्ड, सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली थी, और सो आई थॉट। अहान और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, आफ्टर ऑल हमारा वेडिंग वेन्यू जो बुक हो गया था। मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट मैंने थेरेपी सेशंस भी बंद कर दिए थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आई वॉज रेडी। एज फॉर आहान, ही वॉज द परफेक्ट गाय। वो फनी था, सेंसिटिव था, उसने कभी उस रात के बारे में पूछा नहीं। What? चिल्लड़ क्यों फेंक दिए? ऐसे। It's not a missing man, Dumbo. I know. Guys, रिजॉर्ट के रूम्स तो देख लेते हैं। हाँ, okay. See, it's nice, right? That garden, photoshoot वहीं होने वाला है। हाँ, cottages भी काफी cute हैं। और वो जो छोटी-छोटी lights हैं, वो भी काफी सुंदर हैं। Very nice. ये जो रिजॉर्ट है ना, वीर का है। मुझे लगता नहीं तेरी शादी होगी। ऐसे by the way हम लोगों को काफी under budget मिल गए। Exactly. Look at her, आंटी तो खुशी कितनी है, because off season discount जो मिला है, all thanks to वीर। Yeah, it's वीर रिजॉर्ट। थोड़ा tacky लग रहा है नहीं? हाँ. Isn't it late in the day? I mean, तुम्हें पसंद आया था, right? हाँ, but पता नहीं अब pictures में इतना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, नहीं, नहीं। बेटा, change तो कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ और तो ढूंढ लो। Exactly. नहीं तो हमारा 50% deposit चला जाएगा। नहीं अंकल, वीर का resort है ना, तो पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे, है ना? हाँ, या समीरा पहले तुम्हें रहा करी थी बेटा। हाँ मम्मा, बट अब अच्छा नहीं लग रहा, देखो ना। 10 दिन में तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और फिर इतनी जल्दी रिसोर्ट कहाँ? पैसे मैं दे दूंगी ना। लो कर लो का। अब बेटी से पैसे लेने का। अरे आंटी जी, चिंता क्यों कर रहे हो? हम लोग हैं ना, कुछ ढूंढ लेंगे। शादी का माहौल है, लेट्स हैव फन। व्हाट अबाउट स्पिरिट्स? व्हिस्की ऑन द रॉक्स फॉर मी। व्हिस्की अंकल, व्हिस्की फॉर यू। अरे ऑफ कोर्स, व्हिस्की फॉर यू। सैम, अग्नि, व्हिस्की, व्हिस्की, वोडका, व्हिस्की।
समीरा खुश है ना? Of course खुश है. क्यों पूछ रहे हो ऐसे? कभी-कभी I notice कि वो मेरे साथ बैठी है, but she's not with me. Sometimes I catch her staring at the wall, furniture, TV, बस देख रही होती है. शायद अंदर से पूरी खाली होती है. और जब भी मैंने उसको पूछा तो मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है. तुझे पता है इंसान की ना एक टेंडेंसी होती है कि जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो उसे लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है. तेरे साथ भी वही हो रहा है. तुझसे इतनी सारी खुशी हैंडल नहीं हो पा रही है. I hope that's the case. तो वीर के रिजॉर्ट में शादी फाइनल? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा सर? अपनी मॉम को तो मैं संभाल सकती हूँ. आन की मॉम के साथ पंगा नहीं चाहती यार. ऑकवर्ड हो जाएगा. And I don't want that. Can't fight this now यार. बहुत लेट हो गया. मैं वीर को मेल तो कर ही सकती हूँ. मैं मना नहीं कर सकती तो क्या वो तो मना कर सकता है. तो थोड़ा केयरफुल रही हो. केयरफुल? हाँ वीर मिला भी तो क्या. वो चैप्टर क्लोज हो गया ठीक है. तो मैं उस बात का इशू बनाऊ ही क्यों. और वन नाइट स्टैंड रूल अप्लाई करेंगे तो बॉम्बे के आसपास कहीं भी मेरी शादी नहीं हो सकती. I'm pretty friendly in the past. Guys, यार ये लोग ये फिर से स्टार्ट हो गए. क्या हो गया? अरे तू कर लेना टाइम से हो जाएगी तेरी भी. Please. Thank you so much for your time again, Mr. Mahajan. The pleasure was mine. Your plans look promising. I'll ask somebody from my office to get in touch with y'all. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Have a great day. All the best. Thank you. My card. That's so awesome. I think this calls for a chhota sa celebration, right? To wine the lust. लस्ट से याद आया. उस रात वो लड़की कौन थी? The one you slept with. Chill out, dude. I'm kidding. अच्छा ये तो बताओ, lately अपनी लस्ट के लिए तुम क्या करते हो? What? 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 Debs, यार. Please don't tell me in 1 year you haven't done anyone. Oh my God. वैसे डिमांड तो है तुम्हारी. Don't look right now, but you're 7 o'clock. There's a chick with a leather jacket and straight hair, and she's been checking you out. तुम्हारी डिमांड ज़्यादा है. You're 5 and 7. I've been drooling over you. Listen, मेरी डिमांड हमेशा थी, हमेशा रहेगी. And you better not forget it. Do any one of them have a beard? मैं beards पसंद है. I used to, but now I hate them. It'll make choosing easy, right? So quickly tell me, left से मुड़ी या right? Left वाली की beard है. ये nail ना, God. भाई को आजकल पोर्नो में इतना fascination है. Porno? I don't. Yeah. He wants to come visit our resort also. Why? Samira and Ahan are getting married at the resort, na? And porno तो आएगी. What? Why do you look so confused? Not been checking the bookings? पागल हो गए हो? 12 बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हो? एक्चुअली वो लास्ट मॉनसून स्क्रूड अप अ फ्यू रूम्स, तो थोड़ी रिपेयरिंग लगेगी एंड सम ऑफ द रूम्स डोंट इवन हैव स्प्रिंकलर. सिर्फ 2 साल पुरानी प्रॉपर्टी है वीर. Do not bullshit me right now. Why would I? हम कस्टमर्स को सब पार रूम्स नहीं दे सकते. I really wish तुम में इतने guts होते कि तुम मुझे सच बता सकते वीर. समीरा, it was her, right? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने फाइल देखी और जब तुम झूठ बोलते हो यू हैव अ टेल यू कांट इवन लुक एट मी. इट मेक्स सो मच सेंस नाउ. और मैं भी ना इतनी बड़ी क्या हूं कि मैं देख नहीं पाई. अब मैं रिलैक्स हूं. एक्चुअली नो स्क्रैच दैट, आई एम थ्रिल्ड. मिस्ट्री सॉल्व्ड. और हम कोई भी बुकिंग कैंसिल नहीं कर. ओके डेबी, जस्ट लिसन टू मी. यू आर राइट, इट वाज समीरा.
But please, क्या हम उनकी bookings cancel कर सकते हैं, please? क्यों? Just because you got in her pants, we are not canceling. क्यों कर रही हूँ तुम ये सब? क्यों कर रही हूँ मैं ये? Yeah. Because at this point of time, they are our biggest clients. 18 rooms, super deluxe package and a 4-day affair. वो भी off season में. ठीक है, तो जो तुम्हारे losses हैं, वो मैं अपनी जेब से reimburse कर दूँगा. No, you won't, Richie Rich. तुम्हारे नाम पे चैरिटी नहीं खोली है हमने. This is a business which we both run. We are not canceling. Debbie, please. Hi. Samira. I'm getting married. आन के साथ? या वीर के रिजॉर्ट में. I've missed you, Samira. ये जगह तुमने पिक की? नहीं यार, मेरे और आन के पेरेंट्स ने, मैं मना नहीं कर सकी. और मैंने वीर को ईमेल कर दिया है कि वो बुकिंग कैंसिल कर दे. राइट. अच्छा, ये कंसल्टेशन है तो मुझे चार्ज करना होगा. मैं तो सिर्फ बात कर रही थी. Right. ठीक है, सिर्फ बात करते हैं. तो तुम ना नहीं कह पाई तो तुमने एक्सपेक्ट किया कि वीर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करें. मैं आन के पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं चाहती थी. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. फिर से हमेशा चाहती हूँ कि कोई और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे. पर वीर तो मना कर सकता था ना, उसने क्यों नहीं मना किया? Does he still like me? इस सवाल का जवाब तुम खुद ढूंढो, क्योंकि तुम मुझे फायर कर चुकी हो. राइट, हम बस बात करते हैं. आप शादी में आएंगे? पक्का हूं, 100%. तुम्हें पता है, मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की थी, फिर 3 साल बाद बड़ी मुश्किल के साथ मैंने कोर्स शिफ्ट किया. Because I realized कि रूट कनाल, टूथ एक्सट्रैक्शन, implants, इनमें इतना ड्रामा नहीं है जितना एक ह्यूमन माइंड में है. I really, really missed you, Samira. I'll see you at the wedding. See you. Best of luck. Looks so good in pictures, yaar, Sam. This is amazing. Sam, ये तेरा nightmare मुझे क्यों दिख रहा है? ये डबी है ना? ये बदला लेने आई है. Samira, finally. Veer really tried to cancel, लेकिन मैंने उसे भी बता दिया. I don't hold grudges against whores. So welcome. Welcome. Hi. Hi.